का वीडियो आपके लिए ये बताएगा कि आप जेई के अलावा और कौन कौन से कॉलेजेस हैं, कौन कौन से एंट्रेंस एग्जाम्स हैं जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। और एडवांस के लिए तो आप बेटा पढ़ते ही हो, वो तो आपका प्लान ए है ही सही, लेकिन प्लान बी भी हमको बनाना चाहिए। और भी कुछ प्रेस्टीजियस इंस्टीट्यूट्स हैं जिसके एग्जाम्स आपको लिखने होंगे, तो हमको वो फॉर्म भरने चाहिए। और उसकी जो डेडलाइंस है उन कॉलेजेस के बारे में, जो उनके जो पैकेजेस हैं, किस तरीके से वो आपके भविष्य को और बना सकते हैं, स्पीड एंड एक्यूरेसी। हाँ, स्पीड और एक्यूरेसी की बहुत रिक्वायरमेंट है। ये जेई मेन्स जैसा ही पेपर होता है जिसके अंदर स्पीड और एक्यूरेसी आपको ज्यादा, सिलेबस पूरा अपना जेई मेन का है, आप किए बिना तो रह नहीं सकते हैं। मणिपाल वो प्राइवेट कॉलेजेस हैं जो कि बहुत अच्छे आपको अपॉर्चुनिटीज होते हैं, कैंपस बहुत ही ब्यूटीफुल होते हैं, अच्छे होते हैं, और कंपनीज भी बहुत अच्छे लेवल पर आती हैं, नंबर ऑफ कंपनीज भी ज्यादा आती है मणिपाल के अंदर। रिसर्च में प्यार करते हैं, बिल्कुल, जो साइंस को प्यार करते हैं, रिसर्च में जाना चाहते हैं, डूबना चाहते हैं, उन बच्चों के लिए है आइजर्स, इंडिया में IIC बैंगलोर के पास, जो कि बेस्ट इंस्टीट्यूट है रिसर्च के लिए। हेलो प्यारे बच्चों, मैं हूं अक्षय जैन और मेरे साथ खड़े हैं फिजिक्स टीचर रोहित मालव सर। और आज का वीडियो आपके लिए ये बताएगा कि आप जेई के अलावा और कौन कौन से कॉलेजेस हैं, कौन कौन से एंट्रेंस एग्जाम्स हैं जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, और जिनकी एंट्रेंस की जो एप्लीकेशन की डेट्स हैं वो अभी कुछ आने वाले समय में आने वाली है। हमें पता है कि आपने जेई के लिए जो मेहनत की है उस मेहनत में तो कोई डाउट ही नहीं, आप लोग अच्छे से जेई की मेहनत कर रहे हैं, बट फिर भी हमें लगता है कि एक प्लान बी आपके पास होना चाहिए। जो सिलेबस हमने आपको पढ़ाया है जेई के रिगार्डिंग, वो सेम सिलेबस में कुछ ऊपर नीचे हो सकता है, 1-2% सिलेबस चेंज हो, बट ऑलमोस्ट 99% सिलेबस जो एग्जाम्स के बारे में हम आपको बताएंगे वहां से मैच करेगा। तो आपको इन एग्जाम्स के लिए अलग से प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है। तो ये जो एग्जाम्स हैं, क्योंकि आपने प्रिपरेशन की है, साल भर 2 साल तक आपने इन्वेस्ट किया है, तो हम चाहते हैं कि आपके पास इतना गाइडेंस हो, इतना अवेयरनेस हो कि आप इन एग्जाम्स के बारे में एटलीस्ट जान लें, फिर खुद से डिसाइड करें कि आप ये एग्जाम्स लिखना चाहते हैं, क्या ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा या नहीं होगा। प्यारे बच्चों, हमेशा ये कोशिश करता आया है कि बच्चों को कम से कम यहाँ पे परेशानी हो। जेई मेंस और एडवांस के लिए तो आप बेटा पढ़ते ही हो, वो तो आपका प्लान ए है ही सही, लेकिन प्लान बी भी हमको बनाना चाहिए। और भी कुछ प्रेस्टीजियस इंस्टीट्यूट्स हैं जिसके एग्जाम्स आपको लिखने होंगे, जिनका सिलेबस जेई मेंस और एडवांस से मिलता जुलता है, तो हमको वो फॉर्म भरने चाहिए। और उसकी जो डेडलाइंस है उन कॉलेजेस के बारे में, जो उनके जो पैकेजेस हैं, किस तरीके से वो आपके भविष्य को और बना सकते हैं, अदर देन आपकी जो काउंसलिंग है, उसके अलावा भी इनके खुद के प्राइवेट एग्जाम्स होते हैं, वो आपको लिखने चाहिए, वो हम लिस्ट लेकर आ गए हैं। मैं एक बार फिर से अपना इंट्रोडक्शन आपको दे देता हूं। मेरा नाम है रोहित मालव, आई हैव डन माय बीटेक फ्रॉम IIT रुड़की, और अक्षय सर जो हमारे साथ यहां पर हैं वो IIT बॉम्बे से बीटेक किए हैं। तो हम दोनों IITians आपको ये बताने आए हैं कि IIT तो लक्ष्य होना ही चाहिए, वो तो कोई बड़ी बात है ही नहीं, वो तो हमको करना ही है अपनी जिंदगी के अंदर, लक्ष्य निर्धारित कर लेना है, लेकिन साथ में क्या हमको बैकअप प्लान भी रेडी रखना चाहिए? सर क्या कहना है आपका? बिल्कुल सही बात है, बैकअप तो होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमें जब एग्जाम आप लिखें, जेई मेन का या जेई एडवांस का जब आप एग्जाम लिखें, तो आपके मन में ये नहीं होना चाहिए कि यार ये एग्जाम अगर मेरा बिगड़ जाए, इस एग्जाम को कुछ हो जाए, तो मेरे पास और कुछ करने के लिए है ही ना। बिल्कुल, बिल्कुल। तो IITs के अलावा, NITs के अलावा भी कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं जिससे आप अगर अच्छा वहां पे जाके मेहनत करते हैं, अच्छे से पढ़ाई करते हैं और अच्छे से चीजों को फॉलो करते हैं, तो वहां से भी आप IIT NIT के टक्कर की जॉब निकाल सकते हैं। ऐसे में मुझे याद आ रहा है कि मैंने भी बिट्स प्लानिंग के लिए फॉर्म भरा था, उसका एग्जाम दिया था, VIT का भी मैंने एग्जाम दिया था। सो यस, देयर इज अ बैकअप प्लान। कितना ही आपकी अच्छी प्रिपरेशन हो, लेकिन आपको लगता है कि अगर मेरे को वो ब्रांच नहीं मिल पाती है, मान लेते हैं कि आपकी जो रैंक है वो थोड़ी सी मीडियोकर रैंक आ गई, IIT में आपका सिलेक्शन हो गया, लेकिन किसी और अच्छे इंस्टीट्यूट, जैसे कि बिट्स के बारे में हमने सुना है, VIT के बारे में, मणिपाल के बारे में हमने सुना हुआ है, IIIT हैदराबाद आप जानते हैं, इनके फॉर्म्स हमको अलग अलग भरने होते हैं। तो चलिए आइए जानते हैं इन इंस्टीट्यूट्स के बारे में, और भी हैं, जैसे कि आप देख सकते हो कि वी हैव 8 इंजीनियरिंग एग्जाम्स अपार्ट फ्रॉम जेई। बिल्कुल सर, तो शुरू करते हैं, ठीक है। तो पहला जो कॉलेज है, जितने भी लिस्ट आएंगी हम उसमें आपके लिए लेके आएंगे कि नेम ऑफ द एग्जाम क्या होगा, उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एग्जाम डेट उसके बारे में हम बात करेंगे, एप्लीकेशन आप कब तक भर सकते हैं वो भी हम बताएंगे, और क्या क्या प्लेसमेंट्स वहां के हैं, एक ब्रीफ आइडिया हम आपको इसका दे देंगे। यस, तो पहला कॉलेज है सर बिटसेट। बिल्कुल सर, इसको कोई भी इंट्रोडक्शन का कोई ये सानी नहीं है, बिल्कुल भी जरूरत नहीं, पता है कि IITs की टक्कर का कॉलेज होता है, बिल्कुल टक्कर, और टॉप 7 के अंदर रहता है ये। बिल्कुल बिल्कुल। तो बिट्स पिलानी के साथ साथ में इसके और भी ब्रांचेस हैं, आई थिंक सो, मैसरा और रांची भी। जो मैसरा है वो बिट है तो बिरला वालों का ही, पर उसमें जो एडमिशन जाता है वो बिटसेट के थ्रू नहीं जाता। ओके ओके, ये एक मिस कंफ्यूजन रहता है बच्चों में काफी, कि सर बिट्स के नाम से ही है, तो बिट्स के नाम के जो
कैंपस है मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से। चार कैंपसेस हैं, पहला तो पिलानी का है, उसके बाद हैदराबाद का है, उसके बाद गोवा का है, ठीक है, और जो चौथा कैंपस है वो दुबई में है। तो ये चार कैंपस है जो बिट्स मेसरा है। कन्फ्यूजन होता है, ये सवाल जो आपने बिल्कुल सही पूछा सर, बच्चों में बहुत सारा मिसअंडरस्टैंडिंग इसकी होती है। तो बिट्स मेसरा है बिरला वालों का, उसमें कोई डाउट नहीं है, बट उसके अंदर जो एडमिशन जाएगा वो जेई मेंस की, जेई मेन की, बिल्कुल जेई मेन की रैंक पे जो जोसा काउंसलिंग होगी उसमें से जाएगा। बिल्कुल, तो हम एक्सक्लूसिवली बिट्स पिलानी के बारे में बात कर रहे हैं, बिट सेट की बात कर रहे हैं, बिट सेट के बारे में बात कर रहे हैं। और इसके अंदर आप देख सकते हैं जो लास्ट डेट है वो नजदीक ही है, 11th अप्रैल जो है, तो आपको ये फॉर्म भरना चाहिए। मेरे हिसाब से तो सभी को एग्जाम ये देना ही चाहिए। और इसका जो एग्जाम डेट है जिसमें वो दो सेशन में लेने वाले हैं, एक सेशन वन है और एक सेशन टू है। सेशन वन मई के अंदर है और सेशन टू जो है वो जून में है बेटा। बिल्कुल, ये भी सीबीटी एग्जाम होता है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। आपको उनके सेंटर्स में जाना पड़ेगा, एकदम वो आपसे डेट्स लेंगे किस डेट्स पे आप अवेलेबल हैं। ये मैं सब वही जेई मेंस का जो ऑनलाइन टेस्टिंग जिस तरह से है उसी तरह से सॉफ्टवेयर में मार्क करना होता है, कंप्यूटर बेस्ड ही इनका एग्जाम होता है। बिल्कुल, वेरी गुड। और इसके बारे में जान लेते हैं बिट्स के बारे में कि इसके अंदर, वैसे तो बिट्स में आपने जैसे बता ही दिया था कि चार कैंपस है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन बिट्स पिलानी जो है उसी के बेस्ट कैंपस है। हाँ, पिलानी और हैदराबाद जो है इनमें टॉप मोस्ट कैंपसेस हैं, तो अगर आप चाहते हैं तो इन दोनों में प्रायोरिटी रख सकते हैं। चलो बच्चों ये भी जान लेते हैं कि इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। मिनिमम 75% मार्क्स ओवरऑल एग्रीगेट आपके होने चाहिए 12th स्टैंडर्ड के अंदर। 60% मार्क्स जो है वो पीसीएम के अंदर इंडिविजुअली, का मतलब ये हुआ कि पीसीएम का टोटल अगर हम यहाँ पर देखते हैं अपार्ट फ्रॉम योर अदर टू सब्जेक्ट्स, अगर आप इंग्लिश हिंदी जो अलग आपके सब्जेक्ट्स होते हैं उनके अलावा, उनके अलावा केवल केवल पीसीएम के बारे में बात कर रहे हैं, उसमें 60% मार्क्स इंडिविजुअल फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स में होने चाहिए। बिल्कुल, तो उसको ऑब्वियसली 60% से अबव होगा। बिल्कुल, ड्रॉपर्स ऑब्वियसली अप्लाई कर सकते हैं बिट सेट के लिए, लेकिन एक इंपॉर्टेंट नोट है सर, डबल ड्रॉपर जो है यहाँ अलाउड नहीं है। मतलब 12th के साथ आप बिट सेट लिख सकते हैं, 12th के बाद एक साल और आप बिट सेट लिख सकते हैं, जैसे जेड वांस में दो ही चांसेस होते हैं, ठीक वैसे यहाँ पे भी डबल ड्रॉपर अलाउड नहीं है। स्टेट टॉपर्स को डायरेक्ट एडमिशन दिया जाता है ऑब्वियसली, लेकिन यहाँ पर आपको फॉर्म तो भरना ही होगा, फॉर्म फिल करके ही ये आप इसका जो है फायदा उठा सकते हैं। एडमिशंस विल बी मेड प्योरली ऑन अ मेरिट बेसिस, यहाँ पर कोई भी इस तरह से नहीं है कि मैनेजमेंट कोटा हो, आप अलग से कि भाई मैं इतनी फीस है, मैं अलग से इसमें कुछ और एक्स्ट्रा देकर फीट सीट को एक्वायर करना चाहूँ तो बेटा ये पॉसिबल नहीं है। तो टोटली मेरिट बेस्ड है, इसका मतलब कि आपको अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा अपने एग्जाम के अंदर और अच्छी रैंक हासिल करनी पड़ेगी। बिल्कुल सही बात। मैंने जब बिट्स का एग्जाम दिया था सर, तो उसके अंदर मैंने ऑब्वियसली उसके जो मॉडल टेस्ट पेपर्स होते हैं ये सब दिए थे और प्रीवियस पेपर्स भी मैंने देखे थे, तो उसके अंदर इनमें स्पीड की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट थी, स्पीड एंड एक्यूरेसी। हाँ, स्पीड और एक्यूरेसी की बहुत रिक्वायरमेंट है। ये जेई मेंस जैसा ही पेपर होता है जिसके अंदर स्पीड और एक्यूरेसी आपको ज्यादा, सिलेबस पूरा अपना जेई मेन का है जी, बिल्कुल, और थोड़ा एनसीईआरटी बेस्ड भी हो जाता है अगर हम केमिस्ट्री के बारे में बात करते हैं तो। इसमें थोड़ा सा इंग्लिश लॉजिकल रीजनिंग भी फ्यूज रहता है, बट आई थिंक उसमें आप थोड़ा बहुत मॉक टेस्ट अगर लगा के जाते हैं तो मुझे नहीं लगता वो इतना बड़ा चैलेंज की जरूरत नहीं। कॉमन सेंस पर बेस्ड मेरे हिसाब से उसमें एप्टीट्यूड टेस्ट आते हैं, तो वो आपको मार्केट्स में अवेलेबल होंगे, उससे आप कर सकते हैं। पैकेज तो हमेशा से ये लाइमलाइट में रहा है सर, है ना, पैकेज तो हमेशा से अच्छा ही रहा है बिट्स का। आप ये भी देख सकते हो कि जो हाईएस्ट पैकेज है वो 75 लाख पर एनएम पर भी चला जाता है और एवरेज कहीं ना कहीं पर देखते हैं तो एक अच्छा एवरेज यहाँ पर निकल कर आता है। और ये पर्टिकुलरली मुझे लगता है सर कि जो एवरेज होता है ये अपन कंप्यूटर साइंस के और इलेक्ट्रिकल की वजह से एवरेज थोड़ा सा ऊपर चला जाता है। बट अगर जैसे आप बाकी ब्रांचेस की बात करें तो आपको थोड़ा सा केयरफुली वहाँ पे स्टडी करके एडमिशन लेना चाहिए कि बाकी ब्रांचेस में इतना एवरेज नहीं जाएगा। दूसरी बात यह है कि जो अच्छे कॉलेजेस होते हैं जैसे बिटसेट में अगर आप जाते हैं तो मान लीजिए आपके पास मैकेनिकल इंजीनियरिंग या सिविल इंजीनियरिंग है, तो ऐसा नहीं है कि आपको सिविल इंजीनियरिंग चूज करके आपको सिविल में ही जॉब करनी है। आप वहां से चार साल में कोडिंग सीखिए, प्रोग्रामिंग सीखिए, आप भी जो है फ्लिपकार्ट, उबर, ओला जैसी कंपनीज में प्लेस हो सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये एक विकल्प रहता ही है अगर आप साइड बाय साइड अपने इसको एज अ हॉबी ही ले लें कि कोडिंग को थोड़ा अपनी स्किल्स को अगर डेवलप करते रहे साइड बाय साइड, तो आप एक सिविल इंजीनियरिंग मैकेनिकल इंजीनियरिंग से भी आप एक ऐसा जॉब ले सकते हैं जिसका हम सिविल मैकेनिकल से कोई लेना देना नहीं है। कोइंसिडेंटली हम दोनों ने भी सिविल इंजीनियरिंग ही की है और हमने जो बाद में मैंने कॉर्पोरेट जॉब लिया था तो उसमें सिविल इंजीनियरिंग का कोई लेना देना नहीं था। हाँ, ये बात भी है। हाँ, और कहीं ना कहीं पर बच्चा ये भी कर सकता है कि वो कुछ कोर्सेज वगैरह ज्वाइन कर लेता है, ठीक है, अच्छे कॉलेज उसको अच्छे एनवायरनमेंट देते हैं, अच्छे माइंड के साथ उठता बैठता है, तो गुड कॉलेजेस आर रियली वेरी हेल्पफुल इन डेवलपिंग योर ओवरऑल वी कैन से
जो पर्सनालिटी आपकी होगी। यस यस, तो जिसमें बिट्स तो बिल्कुल बढ़िया जगह, टोटल टोटल राइट करूंगा मैं कि आपको बिट्स का फॉर्म तो बेटा भरना ही चाहिए। बिट्स के अंदर रजिस्ट्रेशन फीस वगैरह जो है ठीक है नॉर्मल नॉमिनल है सर, इसे 3000 कोर्स फीस इसकी थोड़ी सी बाकी कॉलेजेस के कंपेयर में बोलूंगा ज्यादा है, ऑलमोस्ट डबल है आईआईटीज के, आईआईटी से थोड़ी सी डबल है पिलानी का जो कैंपस है। और तो ये थोड़ा सा इसके लिए मुझे लगता है कुछ बच्चों के लिए नेगेटिव पॉइंट हो सकता है, बट अगर आपको यहाँ पे अच्छी ब्रांच मिल जाती है तो मेरे ख्याल से लेनी चाहिए। हाँ, आपको जाना चाहिए, कहीं ना कहीं पे देखो एजुकेशन लोन जो है वो मिल जाता है। हालांकि हम ये नहीं कहेंगे कि अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन बुरी है तो आप लो ही सही, लेकिन अगर आपको मिलता है तो ये बेहतर रहेगा मेरे हिसाब से। इसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बहुत बेटर है इस कॉलेज का, बिल्कुल। आपके जरूर फीस ज्यादा है लेकिन ये एक अच्छी स्टेज बन सकती है आपकी लाइफ के अंदर, आपके करियर के लिए। तो चलो आगे चलते हैं और नेक्स्ट सेकंड पॉइंट पे हम बात करेंगे VIT ट्रिपल ई की, बहुत ही फेमस ये एग्जाम है, वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, बिल्कुल जानते हैं सब लोग। तो VIT जो है ना वेल्लोर बैंगलोर और चेन्नई के बीच में एक शहर का नाम है, वहाँ पे कॉलेज है। तो VIT की भी कुछ ब्रांचेस खुल गई हैं, जैसे VIT वेल्लोर है, एक VIT का कैंपस चेन्नई में भी है, भोपाल में भी है, बट जो बेस्ट कैंपस इसका है वो वेल्लोर ही है। वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत शानदार मिलता है, बहुत ही अच्छा है, और आपके जो पीयर ग्रुप बनता है ठीक है, वो पीयर ग्रुप में भी आप काफ़ी कुछ सीखने को मिलते हैं, आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स इंग्लिश वगैरह काफ़ी अच्छी हो जाती है, बहुत सारे सक्सेसफुल स्टोरीज वहाँ से हैं। मेरे स्टूडेंट्स VIT से पढ़े हुए हैं और वहाँ से निकल के वो कहीं ना कहीं अच्छी जगह जॉब कर रहे हैं। हाँ, मेरे भी दो तीन स्टूडेंट्स हैं जो कि अभी USA में प्लेस्ड हैं, हाँ, और अच्छी कोडिंग, अच्छा पैकेज, बिल्कुल सब बढ़िया उनका चल रहा है। कंपनीज भी काफी हैं, मतलब एक्सपोजर रहता है। जैसे कॉर्पोरेट में अगर देखें कि किसी कॉलेजेस में सबसे बड़ी फाइट ये होती है कि कॉलेजेस, एक एवरेज कॉलेज कंपनीज को बुला ही नहीं पाता प्लेसमेंट करवाने के लिए। तो ये वैसा कॉलेज है जहाँ पे अच्छी कंपनीज, अच्छी कॉर्पोरेट कंपनीज आती हैं प्लेसमेंट्स के लिए। एंड टॉप ऑन टॉप ऑफ इट, अगर आप यहाँ से बीटेक करते हैं, आप यहाँ से एमटेक करने का भी सोच सकते हैं। कुछ ब्रांचेज हैं इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह जहाँ पे आप एमटेक कर सकते हैं, और वहाँ से भी आप बहुत ही शानदार कंपनीज में, मेरे हिसाब से इनकी वेबसाइट पे अवेलेबल, बिल्कुल और वहां से आप सिलेबस वगैरह भी देख सकते हैं। तो VIT मेरा पर्सनल फेवरेट कॉलेज है आफ्टर IITs एंड NITs। आइए जाने सर आपके फेवरेट कॉलेज के बारे में। तो VIT का एक अलग से एंट्रेंस एग्जाम होता है, वो एंट्रेंस एग्जाम आपको लिखना है VIT IIIE, हाँ, और जिसकी जो लास्ट डेट है अभी 30th मार्च को अप्रोच कर रही है। हाँ, ये कर रही है, तो आपको फॉर्म भर लेना चाहिए इफ यू आर इंटरेस्टेड। मैंने भी लिखा था VIT का एग्जाम। हाँ सर, मैंने भी VIT लिया। हाँ, और जो VIT का एग्जाम है सिलेबस वही है, अपना जो JEE सिलेबस है उससे हल्का फुल्का ऊपर नीचे हो सकता है, थोड़ा सा लेवल कम ही रहता है, क्वेश्चंस बहुत इजी आते हैं, और स्पीड से करना स्पीड होगा सर। स्पीड एंड एक्यूरेसी आप मेंटेन करिए, कंपटीशन इसमें इतना ज्यादा नहीं रहता क्योंकि जो हायर रैंक्स होती हैं वो कहीं और एडमिशंस ले चुकी होती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर आपका कभी लगता है कि जे एडवांस जेई मेन में रैंक आई है पर पीछे आई है कि कुछ मन पसंदीदा नहीं मिल रहा, तो आप यहाँ का कंप्यूटर साइंस या इलेक्ट्रॉनिक्स में बिल्कुल अपना जो है ट्राई कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने बोला, बेस्ट कैंपस इज वेल्लोर, देन इज चेन्नई, ठीक है सर। तो इसमें एलिजिबिलिटी आप देख लीजिए, बहुत ही सिंपल सी एलिजिबिलिटी है। 60% मार्क्स जो है आपको PCM में लाने चाहिए, 50% इज फॉर SC ST स्टूडेंट्स। तो बहुत ही मुझे लगता है नॉमिनल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जिसे आराम से किया जा सकता है। पैकेजेस भी अच्छे ही रहे हैं, पैकेजेस यहाँ के एवरेज पैकेज पे आप ध्यान दीजिए, एवरेज पैकेज जो है 9-10 लाख रुपीज की अगर निकल रहा है तो आई थिंक इट इज अ गुड डील। मेरी नजर हाईएस्ट पैकेज पे भी गई है सर, पर आप ही बताइए कि हाईएस्ट पैकेज पे लुक्रेटिव लगता है। हाँ, मतलब टेम्पटेशन आती है कि और 1 करोड़ का पैकेज चला गया है। नहीं, तो थोड़ी सी पता है IITs के अंदर भी, हाँ, सर 1 करोड़ प्लस पैकेजेस लग रहे हैं, 2 करोड़ के लग बिल्कुल जाते हैं, न्यूज आती है 3 करोड़, हाँ, के। तो वो एक्स्ट्रा टैलेंटेड स्टूडेंट्स होते हैं, हाँ, जो कि बचपन से ही, जैसे पर्टिकुलरली ये सर कंप्यूटर साइंस फील्ड में होता है, हाँ, ये आपको कोई सिविल इंजीनियरिंग, केमिकल या फिर मैकेनिकल के अंदर ऐसे पैकेजेस आपको देखने को नहीं मिलते हैं। तो पर्टिकुलरली कंप्यूटर साइंस और IT फील्ड से रिलेटेड जो कंपनीज होती हैं वो इतना, हाँ, पैकेज देने के लिए इसलिए तैयार होती हैं क्योंकि वो एक्स्ट्रा टैलेंटेड दिमाग है उसके अंदर, वो बचपन से हम बोल सकते हैं कि वो हीरा तराशा है, गया है, उसके पेरेंट्स ने उसको पूरा सपोर्ट उसी डायरेक्शन में उसको पूरा, हाँ, प्रिपेयर कर किया गया है, बिल्कुल। और अच्छा, इसमें सर एक और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट में जोड़ना चाहता हूँ, जो पैकेजेस जाते हैं ना 1 CR, जैसे 80-90 लाख के भी जो पैकेजेस जाते हैं, इंडिया में फ्रेशर्स कोई पैकेज नहीं मिलते, ये सारे पैकेजेस होते हैं यूएस बेस्ड। तो USA में आपको पता है कि वहाँ पे सैलरीज 1 CR जो है नॉमिनल, हाँ, पैकेज है, इतना कुछ हाईफाई नहीं है USA के हिसाब से, अगर 40-50 माने, और वहाँ का वो भी सर उतना भी नहीं है। आप अच्छा, इसको 4:1 के रेशियो में तोड़िए। अच्छा अच्छा, मतलब अगर USA में 1 CR का पैकेज है तो इंडिया में वो इसी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को फॉलो करते हुए आप 20-25 लाख रुपीज की सैलरीज अगर आपको मिल रही है, तो USA में जो बंदा 1 CR कमा रहा है वो दोनों के जो लाइफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होगा
वो ऑलमोस्ट सेम है। तो आप 1 CR अगर कहीं देखते हैं तो ज्यादातर जितने भी ये लगते हैं बेटा अब्रॉड, जहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग ऑलरेडी ज्यादा होता है, जिसमें माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक, गूगल ये अच्छे प्लेसमेंट्स देती हैं। तो मेरी पेरेंट्स से भी ये दरख्वास्त है कि जब भी आप देखें तो बच्चों के ऊपर ऐसा प्रेशर मत लगाना कि इनका कंपैरिजन इन बच्चों से करें। इंडिया में फ्रेशर्स को मतलब इतने सालों में 1-2 लोगों को हटा दें, एक्सेप्शंस को हटा दें, तो ऑन एन एवरेज अगर आप बात करें तो ये पैकेजेस इंडिया में नहीं दिए जाते हैं। हाँ, ये सर एवरेज तो कभी हो ही नहीं सकता, कभी नहीं हो सकता। और एवरेज जैसे कि आप 9 लाख पर एनम है, कभी कभी बच्चे ऐसे भी होता है कि किसी के साथ अगर कोई बोल सकते हैं कि उसकी पढ़ाई वढ़ाई में उसमें कमी रह गई है, तो कम पैकेज भी लग जाते हैं। बिल्कुल। लेकिन हम ये मान के चलते हैं कि अगर आप शिद्दत से पढ़ाई कर रहे हैं तो इंस्टीट्यूट आपकी पूरी मदद कर रहा है, क्योंकि वो इंफ्रास्ट्रक्चर दे रहा है, वो आपको फैकल्टीज दे रहा है, और VIT के तो फैकल्टीज भी प्लेसमेंट्स के लिए कंपनीज बुलवा रहा है। सबसे बड़ा चैलेंज जो है ये अच्छी कंपनीज को बुलवा रहा है अपने पास। वेरी गुड। हाँ जी, तो इसको भी सर टॉप रेटेड कॉलेज। बिल्कुल बिल्कुल, मेरा तो फेवरेट है अदर देन IITs एंड NITs। बिटसेट और VIT जैसे आपने भी लिखे हैं, मैंने भी लिखे, तो मैं तो चाहता हूँ कि सभी बच्चे इन लोगों को तो फॉर्म जरूर भर दें। अभी आपकी डेट्स निकली नहीं है तो अभी भी जाग जाएं। केवल और केवल JEE मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ही सोचेंगे सही नहीं, मैं तो मेंस के अंदर इतने सारे कॉलेजेस हैं, किसी में भी शामिल हो जाऊंगा। बेटा ऐसा है कि आपके पास प्लान भी होना ही चाहिए, है ना? तो आप कमेंट में बता सकते हो कि आप इसके लिए भर रहे हो या नहीं भर रहे हो फॉर्म। इसमें एक और फायदा है कि जैसे अभी आप रैंक लाते हैं तो यहाँ पे भी इन्होंने कुछ कैटेगरीज बना रखी है जिसके हिसाब से फीस भी ये डिस्काउंट करते हैं। मतलब अगर आप जैसे नेक्स्ट स्लाइड में 1-20,000 के अंदर रैंक है, उसके बाद जो अलग कैटेगरीज में रैंक आएगी तो उसके हिसाब से आपकी फीस भी कम से ज्यादा होती जा रही है। तो जैसे कैटेगरी 1 की फीस है इतनी फीस है, तो ये फीस बहुत ही नॉमिनल फीस है, बिकॉज एक IIT और NITs की फीस भी इस रेंज में जा रही है। तो अगर आप काफी अच्छी रैंक यहाँ पे भी ला रहे हैं तो आपको इतनी नॉमिनल फीस में एक बहुत ही शानदार कॉलेज में पढ़ने का मौका मिलेगा। सही बात। और जैसे जैसे आप पीछे जाते जाएंगे फिर वो फीस बढ़ा रहे हैं, तो पीछे रैंक्स आती हैं तो फीस वो बढ़ा देंगे। ठीक है, ठीक है। तो आप इसका भी ध्यान रखें। हाँ, और भी ज्यादा जानकारी के लिए VIT की IIIE की जो वेबसाइट है वो जहां पे जाइए विजिट कर लें। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं UGEE IIIT हैदराबाद। IIIT हैदराबाद और बहुत ही जाना माना IIIT, शानदार कॉलेज है सर। और टोटली डिफरेंट हो जाता है बाकी IIIT, क्योंकि अपना खुद का एग्जाम कंडक्ट कराता है। इसमें ऑल्दो जो एडमिशन्स होते हैं वो जोसा काउंसलिंग से भी जाते हैं एडमिशन्स, और जो IIIT हैदराबाद का कट ऑफ है काफ़ी अच्छा जाता है, क्योंकि बहुत अच्छा कॉलेज है IIIT हैदराबाद एंड IIIT अलाहाबाद। ठीक है, बहुत अच्छे कॉलेजेस हैं, इनकी जो फील्ड है सेमी प्राइवेट कॉलेजेस हैं, गवर्नमेंट फंडेड भी हैं, थोड़ा बहुत प्राइवेट फंडिंग भी इनको मिलती है। फीस थोड़ी सी हमेशा से अच्छे हमें रहे। हाँ बिल्कुल, प्लेसमेंट्स इनके हमेशा से अच्छे रहे हैं। और पूरी रिकमेंडेशन है मेरी कि आप IIIT हैदराबाद के लिए भी ट्राई करिए। इसकी भी नजदीकी है। हाँ हाँ हाँ, 1 अप्रैल और एग्जाम डेट 4 मई को है, तो आप इस वाले एग्जाम में भी अप्लाई करिए। हाँ। और जोसा में तो आपको अप्लाई करना ही है। हाँ। ठीक है, तो 2 चैनल आपके पास हो जाएंगे कि IIIT हैदराबाद में एडमिशन लेने के लिए। तो ये ड्यूअल ले लेता है, एक यहाँ से भी ले लेता है UGEE, IIIE से भी अपना एडमिशन लेता है, ले रहे हैं। और जोसा काउंसलिंग से भी बिल्कुल ले रहे हैं। बिल्कुल। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है सर वो 12th इक्विवेलेंट और क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन के हिसाब से एग्रीगेट 60%। मोस्टली हमने यही देखा कि एलिजिबिलिटी 60% ऑफ द मैथ्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का रहता है इंडिविजुअली। सिलेक्शन क्राइटेरिया आप देख सकते हैं कि एक्सेप्ट एडमिशन ऑन द बेसिस ऑफ JEE ऑल्सो, डासा भी एक एग्जाम होता है। ठीक है, आप वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं। UGEE जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, वेरियस ओलम्पियाड्स के अंदर भी अगर आपने अच्छी रैंक लेकर आए हैं, आप जब अप्लाई करते हैं तो आपको IIIT हैदराबाद बिल्कुल वेलकम करता है। तो मेरे हिसाब से UGEE का फॉर्म भरना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और IIIT हैदराबाद के लिए बहुत ही अच्छा कॉलेज है। आप आंख बंद करके आराम से वहाँ जाइए, मेरे ख्याल से बिल्कुल बढ़िया चीज़। इसके पैकेज हमेशा से लाइमलाइट में रहे हैं। हाँ। और आप देख सकते हो एवरेज पैकेज तो सर 26 इज, ये इसलिए इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की IIIT है। बिल्कुल, बिल्कुल। आप भी देख सकते हो कि इसके अंदर आपको वो ब्रांचेस नहीं मिलेंगे जो कि कोर ब्रांचेस होते हैं, जैसे कि सिविल हो गया या मेटलर्जिकल हो गया, जो कि एवरेज को डाउन कर देते हैं कहीं ना कहीं पर। ठीक, तो हम बोल सकते हैं कि इट इज रियली वेरी गुड एवरेज पैकेज। और कोर्स फी अगर हम देखते हैं तो थोड़ा सा हायर साइड होता है, अगर हम किसी NIT के बारे में बात करते हैं तो उनसे थोड़ा सा डबल चला जाता है। हाँ, रजिस्ट्रेशन फीस इज ओके फाइन। हाँ, चलिए सर, तो हमने 3 पॉइंट्स कवर करे और अब हम मणिपाल के बात किए बिना तो रह नहीं सकते हैं। मणिपाल वो प्राइवेट कॉलेजेस हैं जो कि बहुत अच्छे आपको अपॉर्चुनिटीज देते हैं, कैंपस बहुत ही ब्यूटीफुल होते हैं, अच्छे होते हैं, और कंपनीज भी बहुत
अच्छे लेवल पर आती है, नंबर ऑफ कंपनीज भी ज्यादा आती है मणिपाल के अंदर, इनके खुद के भी जो फाउंडर्स हैं, इनके खुद की इंडस्ट्रीज हैं, तो वहां पर भी अगर देखा जाए तो एक जॉब अपॉर्चुनिटी रहती है मणिपाल के केस के अंदर। तो एक ऑटोनोमस बॉडी है और बहुत अच्छे से वर्क कर रही है, इतने सालों से काम किया हुआ है। तो नेम ऑफ द एग्जाम है मणिपाल अकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन, तो इसका नाम हो गया है MET, मणिपाल एंट्रेंस टेस्ट। जो डेट है 26 मार्च, काफी क्लोज है। हाँ, काफी क्लोज है। हाँ, इसको फटाफट से आप जो है देखिए, रिसर्च करिए और अप्लाई करने के लिए देखिए कि आप अप्लाई करने निकल। एक्सटेंड हुआ है सर, पहले करीबन 15 मार्च के आसपास था और ये एक्सटेंड हुआ है, और ये एक ऑप्शन रखा जा सकता है बच्चे के सिलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर वो JEE मेंस के साथ साथ में एक और विकल्प रखना चाहता है। तो एग्जाम डेट आप देख सकते हैं अप्रैल के अंदर और मई के अंदर होने वाली है। बिल्कुल। जो कॉलेजेस इसके अंदर इंक्लूडेड हैं, क्योंकि मणिपाल के बहुत पहले कभी एक ही कैंपस रहता था, लेकिन अब नए कैंपसेस आ चुके हैं, जैसे कि आप जयपुर देख सकते हैं, आप सिक्किम में देख सकते हैं, तो कैंपसेस आ चुके हैं। बेंगलुरु के अंदर भी कैंपस है, तो कोई अगर बेंगलोर के आसपास साउथ इंडिया के अंदर भी कोई रहते हैं और वो चूज करते हैं, तो उनके लिए मेरे हिसाब से बेंगलोर चूज करना एक अच्छा विकल्प रहेगा। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसके अंदर है, कैंडिडेट शुड हैव क्वालिफाइड 10+2 और इक्विवेलेंट फिजिक्स, मैथमेटिक्स और इंग्लिश कंपलसरी सब्जेक्ट होने चाहिए आपके 12th में, तब ये बात करते हैं, अलॉन्ग विद केमिस्ट्री और बायोटेक्नोलॉजी और बायोलॉजी, ये इसमें होना चाहिए। जो क्राइटेरिया वो 60% की जगह 50% ही है, थोड़ा सा रिलैक्स्ड है, लेकिन इसके अंदर कंपलसरी सब्जेक्ट में आप देख सकते हैं कि इंग्लिश भी इंक्लूडेड है। तो इंग्लिश तो मेरे हिसाब से मोस्टली जरूरत पड़ती ही है, बिल्कुल, आज के जो टाइम है उसमें इंग्लिश काफी इंपॉर्टेंट चीज बन चुकी है। तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी काफी लोग तो इसमें पार हो ही जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। पैकेज जिसके भी लाइमलाइट में हमेशा से रहे हुए हैं, अच्छे पैकेजेस लगते हैं, एवरेज थोड़ा सा हम बोल सकते हैं कि 8 या 7 के आसपास कभी कभी फ्लक्चुएट होता रहता है, लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी हायर पैकेज जो है वो सर 1 करोड़ तक चले गए हैं। फिर वही वाली बात है सर कि जिसमें टैलेंट होगा बंदा वो निकाल ही लेगा, वो ट्रिपल आईटी कहीं से निकाल ही लेगा। बिल्कुल, NITs में हो, वो अपने IITs में हो, तो 1 करोड़ का पैकेज उसी को मिलता है जो टैलेंटेड इनफ होता है। या फिर मैं आपको ये भी बोलना चाहूंगा कि जो 4 साल के अंदर अपने अंदर टैलेंट भर लेता है, डेवलप कर लेता है, ठीक है, डेडिकेशन इज द की टू सक्सेस आई थिंक सो। और ये कहीं ना कहीं पे फीसेस की हायर साइड है, वन ऑफ द हाईएस्ट, मतलब VIT की इससे कम है, बिट्स की भी इससे कम है, लेकिन मणिपाल की ज्यादा है, ठीक है। इसके अंदर जो कोर्स फी है उसके बाद सर थोड़ा सा और महंगा भी पड़ जाता है, हॉस्टल अकोमोडेशन आपका महंगा पड़ सकता है। बिल्कुल, रजिस्ट्रेशन फी वैसे कुछ ज़्यादा नॉमिनल सी है। आगे बढ़ते हैं और कुछ बेहतरीन कॉलेजेस के एंट्रेंस एग्जाम के बारे में बात करते हैं। कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, CUET क्यूट, एंड ये अभी रिसेंटली ही शुरू हुआ है और ये भी आपके फेवरेट NTA ने ही स्टार्ट किया है। NTA ने ही स्टार्ट किया है। लास्ट डेट जो है रजिस्ट्रेशन की, ये भी 26 मार्च है, काफ़ी क्लोज है। ये वीडियो बनाने का एक ये बोल सकते हैं उद्देश्य ये भी है कि आपको ये बता दिया जाए कि मार्च के अंदर बहुत सारी डेडलाइंस निकल रही हैं, अप्रैल के अंदर भी आ रही हैं, तो ये जो इस वीक के अंदर ये जो आपके सामने वीडियो आ रहा है, तो मोशन को आपको थैंकफुल बोलना चाहिए कि एक बार बहुत ही डिटेल्ड वे में आपके सामने हम लेकर आए हैं सभी जो इम्पोर्टेंट एग्जाम्स हैं उनके इन्फॉर्मेशन। तो एक बार लाइक और कमेंट सब्सक्राइब तो बनते हैं। 26 मार्च को ये लास्ट है इसका, जो आप एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। एग्जाम डेट जो है वो मई के अंदर होने वाला है, और बाकी आप वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, उसमें आपको कोर्स के जो सिलेबस की डिटेल है वो आपको मिल जाएगी। तो CUET के जो फेवरेट मतलब कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, CIC है, ये कॉलेजेस इतना ज़्यादा लाइमलाइट में नहीं होते, मतलब इन जनरल पब्लिक को पता नहीं होता, बट फिर भी इनके लेवल पे दिल्ली के एरिया में ये जो है काफ़ी अच्छे कॉलेजेस हैं, ये प्रेस्टीजियस इंस्टीट्यूट्स में ही आते हैं, लेकिन अब क्या होता है अवेयरनेस इनकी इतनी ज़्यादा नहीं है कॉलेजेस की। सर NITs, IITs और फिर और भी कॉलेजेस के हाइप बनाए हुए हैं, तो उनको लगता है कि इसका मैं भरूं या नहीं भरूं, तो बेटा अगर आपको लगता है कि नहीं मैं इतनी ज़्यादा फीस अफोर्ड नहीं कर पा रहा हूं कहीं पर, जैसे मणिपाल की बहुत ज़्यादा हो गई, BIT बिट्स की भी है, तो मैं यहाँ पर नॉमिनल फीस, काफ़ी नॉमिनल फीस है, NITs की फीस से तो ऑलमोस्ट हाफ ही है। ठीक, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एक बार देख लेते हैं सर इसका। 50% मार्क्स जो है 12th क्लास के अंदर जनरल कैटेगरी स्टूडेंट्स के लिए, और 45% मार्क्स मतलब कि यहाँ पर SC ST के लिए, तो ये भी एक रिलैक्स्ड नॉर्म्स के हिसाब से है। सब्जेक्ट रिक्वायर्ड है PCM ओनली, PCB वाला भी ये यहाँ पर अप्लाई कर सकता है। बिल्कुल,
और मेरे हिसाब से यही एक उद्देश्य भी रहता सर। हाँ, हमेशा पीसीएम वाले ही जेई मेंस दे रहे हैं, पीसीबी वाला नहीं दे पा रहा है। का जो बनाने का जो बॉडी बनाने का उद्देश्य है, अभी 2-3 साल पहले ही इसके ऊपर काम शुरू हुआ है, उनका यही उद्देश्य था कि जो पीसीएम और पीसीबी वाले बच्चे हैं इनके करियर को थोड़ा सा और ब्रॉड किया जाए और विकल्प स्पेक्ट्रम इनका बढ़ा दिया है उन्होंने। बिल्कुल, इस वजह से सीयूटी का एग्जाम कंडक्ट कर रहा है कि पीसीएम का बच्चा अगर परेशान हो गया पीसीएम से, रो थोड़ा अपना लाइन चेंज करना जा सकते कर सकता है यहाँ पे। सही बात। हाँ, हाईएस्ट पैकेज भी अच्छा खासा गया है, एवरेज पैकेज भी बहुत बढ़िया है। बिल्कुल, कोर्स फी के बारे में बात करें तो जैसे कि आपने कहा था कि बहुत नॉमिनल है, डिस्काउंटेड है। हाँ, और तो, हेविली सब्सिडाइज्ड है। हाँ, तो ये गवर्नमेंट का रोल इसमें कहीं ना कहीं पर आ रहा है, एनटीए ऑर्गेनाइज करा रहा है, तो उसका कोई ना कोई उद्देश्य यहाँ पे पूरा हो रहा है कि अगर कोई बोल सकते हैं फाइनेंशियल कंडीशन उसकी इतनी अच्छी नहीं है और जेई मेन्स के अलावा भी वो कोई ना कोई एग्जाम देना चाहे और एक विकल्प रखना चाहे तो बिल्कुल रख सकते हैं। रजिस्ट्रेशन फी भी बहुत ही कम है। इंजीनियरिंग यूजी कोर्सेज जो हैं बीटेक और बी के इसमें जाते हैं और सारे इंजीनियरिंग की जो प्रोफाइल्स हैं वो ऑलमोस्ट कवर हो रही हैं। ठीक है, जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं कंप्यूटर, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल एंड सिविल आर इंक्लूडेड। हाँ, 6 पॉइंट पर आते हैं सर, IAT इन परस्यू ऑफ नॉलेज। नॉलेज, बिल्कुल। तो आइजर्स जो हैं, देखिए अगर आप रिसर्च में इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि बहुत कम बच्चे होते हैं जो रिसर्च में इंटरेस्टेड होते हैं, बाकी ज्यादातर बच्चों को तो जो इंटरेस्टेड होते हैं और जो कोर में चले जाएं सर, उनकी दुनिया अलग चली जाती है, उनकी दुनिया एकदम अलग हो जाती है। क्योंकि जैसे एक बार मैं रॉकेट लॉन्च हुआ था, इधर PSLV लॉन्च हुआ था 22 मई 2019 को, तो मैं श्रीहरिकोटा उसको लॉन्च देखने गया था इन पर्सन। तो वहाँ पे जब रॉकेट पूरा चला गया और आसमान में एकदम बढ़िया शानदार तरीके से जा रहा है, तो एक प्राउड फील होता है जब वहाँ पे स्क्रीन पे जितने भी साइंटिस्ट बैठे हुए हैं उन साइंटिस्ट को जब आप देखते हो, तो मन ही मन कभी ना कभी मेरे मन में भी आया कि यार काश मैं भी वहाँ बैठा होता। तो जो बच्चे इन परस्यूट ऑफ नॉलेज, जो रिसर्च में प्यार करते हैं, बिल्कुल, जो साइंस को प्यार करते हैं, रिसर्च में जाना चाहते हैं, डूबना चाहते हैं, उन बच्चों के लिए हैं आइजर्स। इंडिया में IIC बैंगलोर के बाद जो कि बेस्ट इंस्टीट्यूट है रिसर्च के लिए, जिनके अंदर रिसर्च IITs के टक्कर की होती हैं, या फिर मैं बोलूँ IIT से भी अच्छी रिसर्च आपको वहाँ दिख सकती है। बिल्कुल। तो उनके बाद जो नेक्स्ट इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ पर रिसर्च काफ़ी अच्छी होती हैं, वो है आइजर्स। ठीक है, देख सकते हैं आइजर्स। तो आइजर्स में एडमिशन JEE एडवांस से भी जा सकता है, JEE मेन के थ्रू भी जा सकता है। ऑन टॉप ऑफ इट दे कंडक्ट देयर ओन एंट्रेंस एग्जाम, जिसके बारे में लिखा गया है। इसका लास्ट डेट 13 मई है। हाँ, और इसका एग्जाम जो है वो जून में होने वाला है, तो आप बिल्कुल इसके लिए अलग से लग सकते हैं। हाँ, हो सकता है कि सर JEE मेन या एडवांस उतना अच्छा नहीं गया हो किसी भी कारणवश, बिल्कुल, तो ये फॉर्म भरकर वो अलग से भी कम्पीट कर आइजर्स में आप जा सकते हैं रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से। ऑन टॉप ऑफ इट इसमें जो सबसे आइजर्स, सबसे बेस्ट आइजर्स है वो है आइजर पुणे। ठीक है, एक बार लिस्ट देख लें सर। बिल्कुल, तो आइजर पुणे है, कोलकाता है, मोहाली है, भोपाल है, और तिरुवनंतपुरम, तिरुपति, बरहामपुर भी है। अब इसमें एक एक्स्ट्रा पॉइंट मैं और ऐड करना चाहता हूँ, जो बच्चे चाहते हैं कि आपको अब्रॉड जाना है, अमरीका जाना है, कैनेडा जाना है, यूरोप जाना है, तो वहाँ पे जो PhD प्रोग्राम्स होते हैं, मास्टर्स प्रोग्राम्स होते हैं, जो प्योर साइंस के प्रोग्राम्स हैं, उनको भी अच्छी खासी सब्सिडी दी जाती है। मतलब दे विल पे यू स्टाइपेंड कि आप हमारे पास आके ये सब पढ़िए। तो अगर आप इन कॉलेजेस से पढ़ रहे हैं और आपको लगता है कि जो मैंने पढ़ा है और जॉब की मान लीजिए इतनी अर्जेंट रिक्वायरमेंट नहीं है, तो आप अच्छी खासी स्कॉलरशिप के लिए ट्राई कर सकते हैं US और जितने भी अब्रॉड कंट्रीज हैं, और वहाँ पे भी आप ऑन टॉप, क्योंकि अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं, प्रेफर किया जाता है। हाँ, आप एक अच्छे इंस्टीट्यूट से जा रहे हैं, तो जैसे IIT से है तो जो USA के प्रोफेसर्स हैं, IV League से प्रोफेसर्स हैं, IIT का नाम जानते हैं, ठीक वैसे ही जो रिसर्च में अगर आप जाना चाहते हैं तो आइजर्स का नाम भी वहाँ पे कहीं ना कहीं लोगों को पता है। अब ये देखते हैं कि एलिजिबल भी है या नहीं हमारे दोस्त लोग। हाँ, तो एनी स्टूडेंट हु हैज क्वालिफाइड अपीयरिंग इन क्लास 12th और इक्विवेलेंट, जो कि हम बोल सकते हैं एग्जामिनेशन इन साइंस स्ट्रीम एदर इन द ईयर 2023 और या करंट ईयर 2024 में वो अपीयर हो रहा है, वो भी इसको अप्लाई कर सकता है। इसके अलावा नहीं है, मतलब कि 2022 इंक्लूडेड नहीं है। हाँ, हाँ, कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू जनरल OBC, इनका जो 60% वाला जो क्राइटेरिया होता है वही रखा है इन्होंने। SC ST के लिए थोड़ा सा रियायत रख रहा है 55%। पैकेज जो है वो एवरेज अगर हम बात करते हैं तो 11 जा रहा है। अब आप देख सकते हो इसके अंदर मीडियम कहीं जगह पर एवरेज जो है वो 8 जा रहा है, कहीं पे 9 जा रहा है, लेकिन यहाँ का एवरेज 10 से अब हम बोल मीडियम पैकेज है, मीडियम पैकेज है जो एक अच्छी सही रियलिटी देता है। हाँ, प्लेसमेंट्स की मीडियम पैकेज, ये मेरे हिसाब से स्टैट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मीडियम ज्यादा बेटर होता है, एवरेज की जगह पे मीडियम ज्यादा बेटर रहता है। ठीक है, इसमें मैथ्स लगा दी, इसमें भी रिसर्च लगा दी गई है, इसमें भी इन्होंने साइंस और रिसर्च मैथ्स का इस्तेमाल किया है। वेरी गुड।
अब ये इस जो आपके सामने आया है कॉमेड के, ये भी बहुत ही पॉपुलर एग्जाम सा रहा है और हमेशा से कर्नाटका के आसपास के जो भी इलाके हैं, ठीक है, ये तो प्रेफर रखते ही हैं मेरे हिसाब से काफ़ी। कोटा भी वहाँ पर उनके स्टेट का होता है, लेकिन फिर भी बाहर के स्टूडेंट्स भी, नॉर्थ साइड भी, वेस्ट साइड और ईस्ट साइड स्टूडेंट्स भी इसके लिए अप्लाई करते हैं क्योंकि कॉलेजेस बेहतरीन कॉलेजेस हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि इनके क्राइटेरियाज क्या हैं। तो कॉमेड के फॉर कर्नाटका एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी जो है वो है आपकी इंजीनियरिंग एंड डेंटल कॉलेजेस ऑफ कर्नाटका। एक कंसोर्टियम है इनका, सारे जो मेडिकल डेंटल इंजीनियरिंग कॉलेज हैं उन्होंने ग्रुप बनाया और वही एग्जाम कंडक्ट करवाते हैं कॉमेट के। इसकी भी लास्ट डेट सर नजदीक ही है, बिल्कुल पास ही है, 5 अप्रैल को अप्रैल है और एग्जाम डेट जो है वो 12th May को ना। अधिकतर एग्जाम्स आपके मई या जून में ही हो रहे हैं, तो आपको टाइम तो खैर मिल ही जाएगा, एक बार फॉर्म तो भरिए बिल्कुल जहाँ पर भी आप इंटरेस्टेड हैं। अच्छा, इसका ओवरऑल माइंड मेकअप करने के लिए वेबसाइट जरूर विजिट कर लें और इंटरनेट भी अपनी तरफ से सर्च कर सकते हैं। हालांकि हम काफ़ी डिटेल्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं, थोड़ी बहुत कॉलेजेस के बारे में बात कर रहे हैं और कौन कौन से कॉलेजेस, जैसे हमने 8 कॉलेजेस हम लेकर आए हैं, अभी हम पॉइंट नंबर 7 पे चल रहे हैं। और आप ये देख सकते हैं कि जितने भी कॉलेजेस हमने यहाँ पर कवर करे हैं सर, वो कुछ भी फिजूल नहीं है। हाँ, और वो बिल्कुल जाने माने हैं, बिल्कुल उनके बारे में बच्चों को ज्यादा जानकारी मिली है इस वीडियो के थ्रू। तो आई एम रियली वेरी थैंकफुल टू द मोशन आल्सो कि उन्होंने हमको ये अपॉर्चुनिटी दी कि हमारी जो नॉलेज है वो बच्चों तक पहुंचे। हाँ, तो क्योंकि मोशन है तो भरोसा है ही सही। तो कॉमेड का एग्जाम लिख के जो रैंक्स वगैरह आएंगी उसमें सबसे अच्छा कॉलेज है RV कॉलेज एंड BMS कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग भी है, मैंने नाम सुना है, ये भी अच्छा है। रमैया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भी अच्छा है, भी अच्छे पैकेजेस इसके अंदर मिल जाते हैं। एक्चुअली क्या है कि पैकेज कहीं ना कहीं पर ये बताता है कि इंस्टीट्यूट आपके लिए मदद कर रहा है और वहाँ पर हम बोल सकते हैं कि फैकल्टीज भी अच्छे लेवल के हैं, तभी तो हम बोल सकते हैं कि जो बच्चे हैं वो उतना सक्षम बन पा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये भी एक जाना माना बोल सकते हैं कंसोर्टियम है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो आपके फिजिक्स एंड मैथ्स कंपलसरी सब्जेक्ट होने चाहिए 10+2 के अंदर। केमिस्ट्री इज द मैंडेटरी सब्जेक्ट इन केस ऑफ अप्लाइंग फॉर बायोटेक और द बायोलॉजी और कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रॉनिक्स, वाइल डिप्लोमा होल्डर्स विल नॉट बी कंसिडर फॉर द एग्जाम। केवल डिप्लोमा होल्डर्स ही आकर, जैसे क्योंकि 10+2 इक्विवेलेंट को सर डिप्लोमा भी बोला जाता करते है हैं, करते तो आप 12th बोर्ड एग्जाम देने के बाद ही, और मेरे हिसाब से अधिकतर लोग जो हमको सुन रहे हैं वो वही बच्चे हैं जो हमारे साथ CBSE ICSE बोर्ड या फिर किसी और स्टेट बोर्ड से 12th एग्जाम में अपियर हो रहे हैं। बी आर्क भी ऑफर करता है सही, आर रिक्वायर्ड टू क्वालिफाई फॉर दी नाटा एग्जाम, नाटा एग्जाम विद अ मिनिमम कट ऑफ, इसका एक एग्जाम होता है जो कि आप मेरे हिसाब से जब फॉर्म भर रहे होंगे तो उसके अंदर ऑप्शन आपको मिल जाएगा। एंड नेक्स्ट लास्ट बट नॉट द लीस्ट SRM JEE। मुझे लगता है कि सर काफी बच्चे इंतजार भी कर रहे होंगे कि सर SRM तो लिस्ट में नहीं है, SRM तो नहीं है, SRM तो अच्छा कॉलेज है, ठीक है, उसका भी क्या अलग से एग्जाम होता है या JEE मेन से भी ले लेते हैं। तो आई थिंक इसके अंदर दोनों तरीके से ही SRM जो है एडमिशंस लेता है, JEE मेन्स काउंसलिंग के थ्रू भी और SRM JEE का खुद का अपना एग्जाम भी होता है। एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी, ओके फाइन, लास्ट डेट जो है सर 13th अप्रैल, दो फेज में हो रहे हैं। हाँ जी, इनके दो फेज में एग्जाम्स हैं, पहला फेज बस आने ही वाला है, सेकंड फेज उसके बाद आएगा। तो और जो एग्जाम डेट्स हैं उसके 7-8 दिन में ही एग्जाम कंडक्ट उसका करवा देंगे, एडमिशन एडमिट कार्ड वगैरह सब रिलीज भी हो जाएगा। मैंने ये देखा है कि जैसे अप्रैल में होता है फिर उसके अप्रैल के अंदर तो लास्ट डेट होती है, लेकिन फिर 2 महीने के बाद एग्जाम होता है। ये एक ऐसा इंस्टीट्यूट मैंने देखा है जो कि फर्स्ट फेज का फॉर्म हमने लास्ट डेडलाइन है और कुछ दिनों के अंदर ही फेज 1 का एग्जाम भी कंडक्ट कर रहे हैं। ठीक, ये भी एक मतलब एक अच्छी एफिशिएंसी बताता है इंस्टीट्यूट की। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सर आप बताएं बच्चों। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आप देख लीजिए कि 16 years 6 months का थोड़ा सा अजीब सा ही है, ठीक है, पर मेरे ख्याल से जितने बच्चे हैं वो सब एलिजिबल होंगे ही होंगे क्योंकि 12th का बच्चा ऑलमोस्ट 17 साल का तो होता ही, 17 से 18 साल का, तो ये तो ऑलमोस्ट आपका फुलफिल हो ही जाएगा। उसके बाद हायर सेकेंडरी एग्जाम जो है 10+2 और या फिर साथ में आप अपीयर कर रहे हो तो अकेडमिक ईयर में, उस करंट अकेडमिक ईयर में आपको मिनिमम 60% एग्रीगेट रखना है, जो 3 सब्जेक्ट है मैंडेटरी। कौन सा हो गया? फिजिक्स हो गया, मैथ्स हो गया है, या तो केमिस्ट्री हो या बायो हो या कंप्यूटर साइंस हो, ठीक है, तो ये हेल्प आपको करेगा। एंड उसके अलावा भी IP भी दिया है, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स भी दी, बहुत सारे आपके विकल्प हैं। बिल्कुल, ये स्लाइड आप एक बार कभी भी पॉज करके देख सकते हैं, आप वेबसाइट भी जरूर विजिट करिए और SRM JEE के एक्चुअली जो पैकेजेस वगैरह होते हैं वो भी थोड़े से फ्लक्चुएट होते रहते हैं। जो एवरेज है मेरे हिसाब से इसका भी 7 to
8 lakh rupees इनका आराम से चला जाता है बिल्कुल ठीक है। और वो डिपेंड करता है आपके टैलेंट पर बच्चों, और डिपेंड करता है कि आप कौन सी ब्रांच से। 7 or 8 हम ये नहीं बता रहे कि मैक्सिमम है, देखिए मैक्सिमम की तो कोई लिमिट ही नहीं है, आप जितने ज्यादा टैलेंटेड हैं उतना ज्यादा आपका जो सैलरी है बढ़ता जाएगा, क्योंकि ट्रस्ट मी लोगों को ये लगता है कि बेरोजगारी बहुत है, बट मेरा ये एक्सपीरियंस है कि अच्छी कंपनीज के लिए कंपनीज को लोग ही नहीं मिल रहे हैं जो टैलेंटेड हो उनके काम करने लायक। तो मेरा ये मानना है और आपका भी मानना होगा सर कि जो 4 साल जिस कॉलेज में आप बिता रहे हैं, एक तो वो कॉलेज जो इम्पोर्टेंट है ही सही, कभी कभी आपको ब्रांच में, सच बता रहा हूँ मैं, ये प्रैक्टिकल बात है कि आपको सेक्रीफाइस करना पड़ जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, अगर आप केवल और केवल ब्रांच के लिए जाओगे, नहीं मुझे तो कंप्यूटर ही लेना है, तो आपको हो सकता है कि कॉलेज को सेक्रीफाइस करना पड़ जाए। तो ये आपको स्टैंड लेना है कि क्या आपका अगर कंप्यूटर साइंस में या फिर किसी बोल सकते हैं कि अच्छे पैकेज देने वाले स्ट्रीम के अंदर इंटरेस्ट आ भी रहा है लेकिन नहीं भी मिला, तो बेटा अपना ना टैलेंट जाया नहीं करना है, टाइम जाया नहीं करना है, आप उसके लिए मेहनत करें। ये जो 4 साल बीटेक के आपके होते हैं इसके अंदर आप मेहनत करके, साथ में सर एमबीए की तैयारी भी अच्छे से एमबीए कर सकते हैं, आप यूपीएससी की तैयारी कर सकते हैं, यूपीएससी में आईएएस के एग्जाम, सिविल सर्विसेज हो गया, इंजीनियरिंग सर्विसेज हो गया, एंड इसके अलावा भी मैं आपको बताता हूँ, जैसे अभी हमने काफ़ी जो बात की है उसमें कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रिकल को ही हमने तवज्जो दी है, तो मैं इसमें बताना चाहता हूँ कि जैसे आईआईटीज के अंदर सिविल इंजीनियरिंग, मेटा मेटलर्जिकल में जाते हैं, एरोस्पेस में जाते हैं, केमिकल में जाते हैं, मैकेनिकल में जाते हैं, तो ये बच्चे भी ज़रूरी नहीं कि इनको कोर ब्रांच में ही जॉब मिलता है। देखिए कोर ब्रांच में आपको 5 से 10-15 लाख के बीच में आपको जॉब मिल जाएगी, पर इसके अलावा जो अलग कंपनीज आती हैं जैसे फाइनेंस में हो गई, बैंकिंग हो गई, ट्रेडिंग हो गई, मैनेजमेंट कंसल्टेंट हो गई, डिजिटल कंसल्टिंग हो गई, या फिर आपको बाहर जाना है पढ़ने के लिए, तो ये सारी चीज़ें, या फिर आपको हायर स्टडीज़ के लिए जाना है या एमबीए करना है, कैट का एग्जाम लिखना है, एक अच्छा एनवायरनमेंट, एक अच्छा कॉलेज देता है। सारे बच्चे आप जिन बच्चों के बीच में बैठेंगे, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट, जो सुबह का टाइम रहेगा उसमें तो टीचर आएगा, प्रोफेसर आएंगे, वो आपको पढ़ा के चले जाएंगे, जो आपकी ओवरऑल ग्रोथ होती है, जो 360 डिग्री ग्रोथ की हम बात करते हैं, वो आप जब हॉस्टल्स में रहते हैं, अलग अलग एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते हैं, पढ़ाई तो ऑब्वियसली करनी ही है, ऑन टॉप ऑफ इट आप बाकी अपना जो पीयर ग्रुप बना रहे हैं, अपने फ्रेंड्स से जो सीखने को आपको मिलेगा, वहां से आपकी एक्चुअल ग्रोथ होती है, बेस्ट ब्रेन्स के साथ में रहें। बिल्कुल, और ये जितने भी कॉलेजेस हमने आपको बताए हैं यहाँ पर, ऑलमोस्ट आईआईटीज और एनआईटीज के बाद, कभी कभी तो आईआईटीज और एनआईटीज को भी सैक्रिफाइस करके और कुछ बच्चे चले जाते हैं, जैसे बिट्स पिलानी अपने आप में एक बहुत ही बोल सकते हैं कि बेहतरीन अल्टरनेटिव है टू आईआईटीज। बिल्कुल, तो इन कॉलेजेस में जाने के बाद जो आपका ओवरऑल डेवलपमेंट होता है वो इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ पर जो ब्रेन्स हैं वो काफ़ी अच्छे लेवल पर आपको मेरे हिसाब से सर एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं, हेल्प करते हैं कि आपको एक बूस्ट मिले। ठीक है, बाकी जब कंपनी में जॉब लग जाती है तो कॉलेजेस कुछ हेल्प नहीं करेंगे, तो आपको अपने मेहनत के ऊपर ही आगे बढ़ना है। तो फिर लग जाइए प्रिपरेशन के अंदर और लग जाइए अपने उन इन 8 कॉलेजेस में से किसका फॉर्म आपको भरना है, और हमने कुछ प्रायोरिटीज अपनी तरफ से दी हैं, हमारी तरफ से कोई चूक हो गई तो माफ़ कर दें, और हम ये भी कहना चाहेंगे कि कुछ डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए सिलेबस के बारे में, कि कौन से सिलेबस में सर क्या चेंजेस हैं, कुछ तो कुछ माइन्यूट चेंजेस होते हैं, एग्जाम है उन्हीं की ऑथेंटिक वेबसाइट पे जाइए, ऑथेंटिक वेबसाइट आप इधर उधर जो गूगल करते हैं तो जो वेबसाइट है वो तो 10-15 सर्च के बाद मिलती है और इधर उधर की वेबसाइट्स आ जाती हैं, तो आप उन पे मत जाइए, जो उनकी खुद की वेबसाइट है SRMJEE, तो SRMJEE की वेबसाइट पे जाइए, अगर कॉमेट की है तो कॉमेट के की वेबसाइट पे आप जाइए, वहाँ से जाके ही जो नोटिस है उनका, जो भी उन्होंने न्यूज़ रिलीज़ करी है, वहीं से नोटिफिकेशन को पढ़िए और वहीं से सब कुछ आइडिया बनाइए। तो हम आपसे इजाज़त लेते हैं और कमेंट जरूर करें, लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट वीडियो है, आपके खुद के जो फ्रेंड्स हैं उनको भी ये फॉर्म्स की जो डेडलाइन है वो नहीं निकल जाए ये बताना जरूर है। तो हम चलते हैं, हम वीडियो थोड़ा छोटा ही रखना चाहते थे क्योंकि जेईई मेन के लिए बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं, बट आई थिंक थोड़ा सा सर मोटिवेशनल, हाँ जी, 15-20 मिनट का वीडियो बन गया, तो आई थिंक बच्चे थोड़ा सा इसको टाइम निकाल के भले ही 1.25 की स्पीड पर आप देखें, बट इसको प्लीज देखिएगा पूरी टीम की तरफ से। थैंक यू वेरी मच।